जब कलयुग का अंत होगा तब दिन में श्वान श्रृगाल का आवाज सुनेगा, यानी वो क्रंदन करेंगे। और क्या होगा, चतुर्दिग धूम्रवर्ण दिखाई देगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब धूम्रवर्ण दिखाई देगा। और सूर्य देव की जो रोशनी है वो 7 गुना 10 गुना तक बढ़ जाएगा। तो सूर्यदेव का रोशनी बढ़ने के कारण मौसम में परिवर्तन होगा। उत्तर मेरु जो है, उत्तर में जो बर्फीले पहाड़ियां हैं वो पिघलने लगेंगे, और उत्तर मेरु पिघलने के कारण प्रकृति पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा। तो ये कलयुग जब अंत होगा तब मानव लोग देखेंगे, आज सूर्यदेव का रोशनी 55-60 तक जा चुका है, आगे 72 डिग्री तक सूर्यदेव का जो रोशनी का गर्म 72 डिग्री तक जाएगा। सभी जगह पर नहीं होगा, जहां पर पाप है, जहां पर लोग अधर्म कर रहे हैं, जहां सनातनी नहीं है, उस क्षेत्र में ऐसे सूर्यदेव का तांडव भी लोग देखेंगे। तो ये कलयुग का जो अंत का लक्षण, अभी गर्मी जो बढ़ रहा है वो गर्मी 72 डिग्री तक जाएगा। एक दिन ऐसे समय आएगा जिस समय सूर्यदेव से नक्षत्र खंड धरती की ओर आके 3 समुद्र में पड़ेगा, ये भविष्य मालिका में लिखा है। सूर्य देव का अंश से, सूर्य देव से नक्षत्र खंड, सूर्य देव से अलग होके 3 समुद्र में पड़ेगा, जिसको अच्युतानंद ने लिखे हैं, तिनी दीपु लंजा नक्षत्र पड़ीवो, जाजो नग्र ठारु श्रीक्षेत्र कंपी उठीवो जगत। यानी भगवान कल्कि के जन्म स्थान से जगन्नाथ क्षेत्र और सारा विश्व में जल प्रलय समुन्दर सुनामी होगा। तो सूर्य देव से आने वाले नक्षत्र खंड कहां पड़ेगा, एक भारत महासागर, एक प्रशांत सागर, एक अरब सागर, तीनों सागर में सूर्य देव से आने वाले नक्षत्र खंड आके गिरेगा। उसके कारण 10,000 फीट तक समुद्र ऊपर आएगा। तो ऐसे समय आगे होने वाला है, 2032 तक सत्ययुग का निर्माण होगा, उसी समय के बीच ये समय आ रहा है। और बार बार वैज्ञानिक लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड धरती की ओर आ रहा है, तो ऐसे समय भी आ रहा है जिस समय एस्ट्रॉइड, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड आके धरती पर गिरेगा, और नक्षत्र खंड यानी छोटे छोटे उल्का पिंड भी धरती पर ग्रुप ग्रुप यानी बड़े बड़े संख्या से, शहर में, जंगल में, रिहायशी अंचल में, गांव में पड़ के सारा संसार जलेगा। तो इसे समय के ऊपर मानव सभ्यता जा रहा है।